जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई कैसे हैं आप लोग? मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो है बहुत सारे आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, कब तक एडमिट कार्ड आपके ऑफिशियल साइट्स पर आ सकते हैं और एडमिट कार्ड में क्या क्या लिखना होता है, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे, एक एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कैसा एडमिट कार्ड होता है, जो स्टूडेंट्स पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं वो एडमिट कार्ड कैसा हो, तो वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स हो आप मेरे से आस्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक और टेलीग्राम की दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, लेकिन जो एग्री जर्नी ग्रुप है टेलीग्राम का वो जरूर ज्वाइन कर लेना। जितने भी फर्दर अपडेट्स आती है वो आपको वहां पे मिलती रहेंगी ऑलवेज सबसे पहले, क्योंकि आपके अभी एडमिट कार्ड आएंगे, रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, काउंसिलिंग, वो सारी चीजें आपको ग्रुप्स में मिलती रहेंगी। तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। डेली आपकी क्लास चलती है 7:30 बजे शाम को। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड जिस वेबसाइट से आपका फॉर्म भरा था उसी वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड आएंगे। अच्छा, एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात कर ले तो भैया कब तक आपका एडमिट कार्ड आ सकता है? तो देखो, आपको पता है आपका MPPET का जो एग्जाम है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है, जिसमें आपका PCB, PCM, ABC और जो आपके AG बंडूजी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो इनके पहली शिफ्ट और सेकेंड 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है 8 और 9 तारीख को। तो जितने भी मैं आपको एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता दूं तो मे बी 3 से 4, ठीक है, 2 या 3 तारीख को सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड में क्या आएगा, सिटी अलॉट होगी। सेंटर आपको पहले नहीं बताया जाएंगे, सेंटर एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले बताया जाएगा, 2 दिन पहले। ठीक है, तो सिंपली आपको बता दूं, सबसे पहले 2 या 3 तारीख को, मतलब आपका जून में 2 या 3 जून को क्या आएगा, सिटी अलॉट होगी। मतलब जो आपने सेंटर फिल किए थे ना, सागर, इंदौर, जबलपुर, ठीक है, वो सेंटर नहीं, आपका सिटी अलॉट हो जाएगा कि भाई इस सिटी में आपका एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद एक एक्सपेक्टेड डेट और बता दूं, 5 या 6 तारीख हो सकता है, 6 तारीख के आसपास आपका यहाँ पे क्या, सेंटर अलॉट किया जाएगा कि भाई कौन से सेंटर में आपका पेपर है। सिटी तो आपको पता लग गई, लेकिन कौन से सेंटर में एग्जाम है वो सारी डेट्स आपको मेंशन कर दी जाएंगी 5 तारीख के आसपास आपके एडमिट कार्ड में। ठीक है, तो एडमिट कार्ड सबसे पहले आप देख सकते हो, जो एडमिट कार्ड यहाँ के ऑफिशियल साइट है आप इस पर विजिट करोगे। विजिट कब करना है, आप 2 या 3 जून को आप विजिट करोगे, एक्सपेक्टेड डेट आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे एडमिट कार्ड आराम से रिलीज हो जाएगा, लेकिन सेंटर रिलीज नहीं होगा, ओनली सिटी अलॉट होगी। ठीक है, ये 2023 का आप देख सकते हो, कुछ MPPET का है, इस टाइप से आपका आता है 2023 का एडमिट कार्ड, जिनके भी स्टूडेंट्स के आए थे। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिल करना पड़ेगा और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ रहती है वो फिल करना रहता है, फिर आप इसके बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कैसा एडमिट कार्ड होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस टाइप के, कहाँ कहाँ कौन सी चीजें को फिल करना होता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं भाई, सबसे पहले कि फॉर्म ऑलरेडी आप सभी ने फिल कर लिया होगा, ठीक है, और नहीं किया है अब भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से बोल रहे हैं भैया वो ओपन करवा दो, फॉर्म भरना है मेरे को। मैं कैसे ओपन करवा दूं, इतने टाइम से आप लोगों से बोल रहा था कि भाई लास्ट डेट है 9 तारीख, फॉर्म फिल कर देना रात के 12 बजे तक, बट कहाँ स्टूडेंट को सुनने वाले थे, उनके पास टाइम कहाँ था, वो बिजी है, प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी मीटिंग उनकी चल रही है, वो बिजी है, कहाँ उनके पास टाइम है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए टाइम है उनके पास, लेकिन फॉर्म भरने के लिए टाइम नहीं है, अभी भी मैसेज कर रहे हैं। तो भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब 2025 में एग्जाम देना, ठीक है, फॉर्म फिल करना, आप साइड हो जाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड देख लो, लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं, जो भी AG Bandhu 3 सब्जेक्ट ग्रुप के नोट्स वगैरह परचेस करना चाह रहा हो, AG Bandhu 3 सब्जेक्ट ग्रुप्स में ओनली हिंदी मीडियम का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको पता है लास्ट टाइम है, तो लास्ट टाइम में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अब आपने साल भर नहीं पढ़ा तो अब भी पढ़ के क्या करोगे, ठीक है, कोई मतलब नहीं बन रहा है। जो बेटेज वाले टॉपिक है, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन 3 सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऑल एग्रीकल्चर, ऑल एनिमल हस्बेंड्री और टॉपिक, जिसमें आपके ओनली टॉपिक मेंशन रहेंगे, क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो 399 प्राइस है, मैंने ऑलरेडी 100 कम कर दिया है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हो मेरे से आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स लेना है ओनली हिंदी मीडियम और PDF फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, देखो एडमिट कार्ड कैसा होता है आपका वो देख लो भाई, एक स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड है भाई, प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट्स है, उसमें आपकी क्या क्या चीजें मेंशन थी, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ग्रुप, आपने कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो परीक्षा केंद्र, मैंने आपको बताया था ना इसका सतना पड़ा हुआ है भाई, जो स्टूडेंट था सतना सिटी। इसके बाद सेंटर कौन सा है वो भी आप देख सकते हो, आदित्य ग्रुप एंड टेक्नोलॉजी करके कोई आपकी यूनिवर्सिटी है सतना में, उसमें इसका सेंटर गया था।
बाकी आपको क्या यहाँ पे थंब वगैरह सिग्नेचर फोटो भी लगाते हैं, एक बात ध्यान रखना आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई हुई थी वही फोटो यहाँ पे लगाते हैं। खैर अभी तो बहुत टाइम है, परेशान मत हो, बट फिर भी आपको चीज़ें बता देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा में। बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, यहाँ पे फोटो वगैरह लगानी पड़ती है, थंब लगाने पड़ते हैं, यहाँ सिग्नेचर करना पड़ता है और यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है कि आप इस एग्जाम में क्यों अपेयर हो रहे हो। मतलब यहाँ पे जो है 30-40 शब्दों में लिखना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख दो, कि आप MPPAT का एग्जाम क्यों देना चाह रहे हो, क्या पर्पस है आपका, आपको डिग्री करनी है, आगे जाके जॉब्स करनी है, क्या करना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, ये उस स्टूडेंट का रोल नंबर है और आगे सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल नंबर, इससे ही आपका रिजल्ट वगैरह ओपन होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बाकी आप देख लो कुछ इस टाइप से एडमिट कार्ड आपके आएंगे, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड जो ऑफिशियल साइट है इस पर आप विजिट करके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, होम पेज पर तो आपको यहीं पर दिख जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बाकी आपको मेरे से जो भी डाउट्स हो आप आस्क कर लो, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको पता है मैं यहाँ से सॉल्व करवा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 2013 का हम कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर, आज शाम को आपका 2014 का क्वेश्चन पेपर हम करेंगे जो कि एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डाउट्स हो आप आस्क कर सकते हो मेरे से। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।